नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक, स्वागत करता हूँ आपका हमारा चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों, अगर अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके रोज से नॉलेज ट्रेड इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। जी हाँ, ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या डेफिनेशन होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, मैं पूरा आपको बताऊँगा। तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली हो तो स्किप मत कर दीजिएगा बीच में, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। स्किप ना करें वीडियो को। दोस्तों, आपको लाइक कर देना है, क्योंकि आप दोस्तों वीडियो पूरा देख लेते हो, लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी डिवाइस है पावर सिस्टम में। दोस्तों, पावर सिस्टम में कैसे, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो, लेकिन दोस्तों आपको काफ़ी सारे लोगों को पता होगा ट्रांसफार्मर के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का पावर सिस्टम बहुत बड़ा योगदान है आपके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में। आपके घरों तक जो बिजली आती है उसमें ट्रांसफार्मर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, अगर आप बोलते हो उसका मेन इंपॉर्टेंस है तो गलत नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसका पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों पार्ट जो होते हैं मेन पावर सिस्टम के, तीन ही पार्ट होते हैं, तीनों में दोस्तों ट्रांसफार्मर का यूज बहुत ज़्यादा है। हर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। आप दोस्तों शहरों में देखा होगा, अपने घरों में देखे हैं, अपने वहाँ पे गांव में, अपने मोहल्ले में, सब जगह आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े, जैसे ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। तो ट्रांसफार्मर की जो डिज़ाइन होती है वो दोस्तों काफ़ी हैवी होती है, एक दैत्य आकार की दोस्तों, उसको देखने में अजीब सा आपको लगेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस होती है। अगर इसकी ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की बात किया जाए तो ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्या इसका मतलब हुआ, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस उपकरण है दोस्तों, इलेक्ट्रिक उपकरण है, जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए। ये इसकी हिंदी में उसका डेफिनेशन हो गया, परिभाषा। ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स और सेकेंडरी वाइंडिंग, पार्ट्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जो तीन वहाँ पे मेन पार्ट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया ट्रांसफार्मर के। यही दोस्तों तीन मेन पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के, कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आता है। सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि वहाँ पे नॉर्मली जो आप देखते हो ट्रांसफार्मर, वो दोस्तों होता है आपके मोहल्ले में। तो मोहल्ला वाला ट्रांसफार्मर जो होता है आपके गली में, वहाँ पे 11,000 वहाँ पे लाइट आती है दोस्तों। ऐसे सभी केसेस में होता है, लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 11,000 लाइट आई, ट्रांसफार्मर लगाया दोस्तों, उसको स्टेप अप, माफ़ कीजिएगा, स्टेप डाउन किया और फिर से आपके घरों तक 440 वोल्ट प्रोवाइड किया। तो यही होता है ट्रांसफार्मर का यूज़। ट्रांसफार्मर दोस्तों जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस को कहा क्यों जाता है, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस, ये जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एनर्जी जब कन्वर्ट करता है तो वहाँ पे कोई मूविंग व्हीकल या सिस्टम नहीं लगा होता है, इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। वो अपने प्लेस पे शांति से खड़े रह के बिना कुछ वहाँ पे हिले डुले एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, इसलिए उसको स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, वहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और मैग्नेटिक फ्लक्स, है तीन चीज़ होता है। प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में दोस्तों सबसे पहले वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो प्राइमरी वाइंडिंग में ही आती है, वो फिर वहाँ पे कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक एनर्जी में, उसको कन्वर्ट कर देती है प्राइमरी वाइंडिंग, फिर उस मैग्नेटिक फ्लक्स लगा के वो वहाँ पे उसके हिसाब से एनर्जी वहाँ पे जो होती है वो वहाँ पे मैग्नेटिक प्राइमरी वाइंडिंग से मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग तक आती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में फिर मैग्नेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर चेंज हो जाती है और यहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन जैसी नीड होती है उसके हिसाब से वो लोड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पर ही लोड लगाया जा सकता है, प्राइमरी वाइंडिंग पर लोड नहीं लगता है। तो यहाँ पे तीनों का यूज बहुत ज़्यादा है ट्रांसफार्मर में दोस्तों। ट्रांसफार्मर जो होता है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, मेनली ट्रांसफार्मर जो कैटेगराइज्ड है वो स्टेप अप स्टेप डाउन, आप समझ लीजिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को दोस्तों नीड के हिसाब से बढ़ा ले, जहाँ ज़रूरत होती है वो वोल्टेज को बढ़ा के देता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो वहाँ पे वोल्टेज को डाउन कर दे, जैसे कि 11,000 आया तो उसको 440 में कन्वर्ट कर दिया, तो इस हिसाब से वहाँ पे
ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं वो स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो आपके वहाँ पे लगे होते हैं मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों में, गांवों में, तो वो सब ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पे दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी आपको वहाँ पे रोटरी लगे होते हैं उसको बढ़ा के इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ लगता है। तो यही होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें कौन से पार्ट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफार्मर का यूज बहुत ज़्यादा है पावर सिस्टम में, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिना ट्रांसफार्मर के दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना नहीं कर सकते हो। तो ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों मैंने एक संक्षेप में ये वीडियो बना दिया। डिटेल्ड अगर वीडियो चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर कर लीजिए, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा उसका आंसर। और कोई भी अगर आप डिटेल में चाहते हो वीडियो ट्रांसफार्मर तो भी बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी जो नई वीडियो डालो फ्यूचर में सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं दोस्तों, नए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।